तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को ट्रेंडिंग रील्स बनाना सिखाने वाले हैं। जो आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। अल्बेश यादव ने बिग बॉस में सिस्टम हैंग कर ही दिया है। आप लोग भी इस टाइप से रील बनाकर इंस्टाग्राम रील्स सिस्टम हैंग कर सकते हो। आपका वीडियो 100% वायरल हो सकता है। आप लोग भी ये ट्रेंडिंग रील्स बनाकर जरूर से अपलोड कीजिएगा। तो चलिए गाइस, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपना वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास वीपीएन नहीं है तो आप लोग वीपीएन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको कनेक्ट कर लीजिएगा। वीपीएन कनेक्ट हो जाने के बाद आप लोग अपना कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास कैपकट ऐप नहीं है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओपन हो जाने के बाद आप लोग यहां से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। तो यहां पर गाइस आप लोग अपने एक वीडियो को ऐड करना है। तो जो भी आप लोग वीडियो ऐड करना चाहते हो उस वीडियो को आप लोग ऐड कर लीजिएगा। वीडियो ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को फर्स्ट में आइडियो को ऐड करना है। तो यहाँ से आइडियो वाले ऑप्शन पर टैप करना है, स्ट्राइक पर टैप करेंगे तो गाइस ये आइडियो वीडियो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो आप लोगों ने वीडियो को डाउनलोड किया है उसी वीडियो को आप लोग को सिलेक्ट करके इम्पोर्ट साउंड क्लिप पर टैप कर देना है। तो आपके वीडियो में आइडियो ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको वीडियो में स्लो मोशन को ऐड करना है। तो यहाँ से वीडियो पर टैप करना है, स्पीड वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप लोग अपने वीडियो में थोड़ा सा स्लो मोशन को ऐड करके डन कर देना है। फिर उसके बाद आप लोग को दोनों फिंगर से टाइमलाइन को जूम कर लेना है एंड आप लोग अपनी वीडियो को प्ले कर लेना है। जहाँ पर फर्स्ट बीट मार्क आएगी वहाँ से आप लोग अपनी वीडियो को कट कर लेना है। एक्स्ट्रा पार्ट को आप लोग को डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर गाइस हम लोग लास्ट में फोटोज़ को ऐड करेंगे। फिर यहाँ पर वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है, फिर से वीडियो को प्ले कर लेना है एंड यहाँ पर आप लोग को 0.5 सेकेंड पर आ जाना है। यहाँ से आप लोग अपनी वीडियो को कट कर लेना है। फिर उसके बाद आप लोग के यहाँ से वीडियो के लास्ट में आना है। यहाँ पर हम लोग फोटोज़ को ऐड करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर एक प्लस का आइकन मिलेगा, इस पर टैप करना है। फिर यहाँ से फोटो वाले ऑप्शन पर टैप करना है। तो यहाँ पर गाइस आप लोग अपनी 15 या 16 फोटोज़ को ऐड करना है। तो आप लोग अपनी फोटोज़ को ऐड कर लीजिएगा। अगर आपके पास इतनी सारी फ़ोटोज़ नहीं है तो आप लोग डबल फोटोज़ को भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जल्दी से फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ। फोटोज़ ऐड हो जाने के बाद आप लोग अपनी आईडी पर टैप करना है। फिर यहाँ से मैच कट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। तो यहाँ पर गाइस आप लोग को आईडी में बीट मार्क को ऐड करना है। तो आप लोग आईडी को प्ले करके बीट मार्क ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से बीट मार्क को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैंने बीट मार्क को ऐड कर लिया है। फिर यहाँ से आप लोगों को डन कर देना है। फिर उसके बाद गाइस आप लोग अपनी फर्स्ट फोटो पे आ जाना है। आप लोगों को बीट मार्क के हिसाब से अपनी सभी फोटोज़ को एडजस्ट करना है। तो यहाँ से आप लोगों को दोनों फिंगर से अपनी फोटो को फुल सर्च कर लेना है एंड बीट मार्क के हिसाब से कट करके एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देना है। तो आप लोग गाइस कुछ स्टेप से अपनी सभी फोटोज़ को बीट मार्क के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा एंड दोनों फिंगर से आप लोग अपनी सभी फोटोज़ को फुल साइज भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं सभी फ़ोटोज़ को जल्दी से एडजस्ट कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो सकता है। तो यहाँ पर सभी फ़ोटोज़ को एडजस्ट कर लिया है। फिर उसके बाद आप लोग के यहाँ से अपनी फर्स्ट फ़ोटो पे आ जाना है। तो यहाँ पर गाइस हम लोग अपनी फ़ोटोज़ में एनिमेशन को ऐड करेंगे। तो आप लोग अपनी फर्स्ट फ़ोटो पर टैप करना है, एनिमेशन पर टैप करेंगे। तो यहाँ पर गाइस आप लोग एक बार अपनी वीपीएन को जरूर से चेक कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर नो इंटरनेट दिखाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर स्क्रॉल करके लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आप लोग को बहुत सारे एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग गाइस एक एक करके अपनी सभी फ़ोटोज़ में एनिमेशन को ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं जिस तरीके से फ़ोटोज़ में एनिमेशन को ऐड कर रहा हूँ, आप लोग भी उसी तरीके से अपनी सभी फ़ोटोज़ में एनिमेशन को ऐड कर लीजिएगा। अगर गाइस मैं आप लोग को एक एक करके एनिमेशन के बारे में बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग अपने हिसाब से फ़ोटोज़ में एनिमेशन को ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर फोटोज़ में एनिमेशन ऐड कर लिया है। फिर आप लोग के यहाँ से वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है। जो आपका वीडियो रहेगा उसकी सेकंड क्लिप पर टैप करना है। यहाँ से एनिमेशन वाले ऑप्शन पर टैप करना है। जो आपकी वीडियो की सेकेंड क्लिप है आप लोगों को उसमें भी एनिमेशन को ऐड कर लेना है। फिर यहाँ पर एनिमेशन की ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर यहाँ से आप लोगों को डन कर देना है। फिर उसके बाद वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है।
यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग में इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो आप लोग को यहाँ से इफेक्ट वाले पर टैप करना है, वीडियो इफेक्ट पर टैप करेंगे। फिर यहाँ से आप लोग को ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर टैप करना है। तो यहाँ से आप लोग को हेल्प ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लेना है, फिर यहाँ से डन कर देना है। इसकी लेंथ को आप लोग अपनी फर्स्ट वीडियो क्लिप तक ही रख लेना है। फिर से आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है, फिर से वीडियो इफेक्ट पर टैप करना है। यहाँ पर आप लोग को नाइट क्लब वाले पर टैप करना है, यहाँ पर शेक इफेक्ट को ऐड करके डन कर देना है। फिर यहाँ पर एडजस्ट पर टैप करना है, इंटेंसिटी को आप लोग को 9 या 10 पर रख लेना है। फिर यहाँ से इसकी लेंथ को आप लोग अपनी वीडियो क्लिप तक रख लेना है। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ से फिर से वीडियो इफेक्ट पर टैप करना है, यहाँ पर स्ट्रोब इफेक्ट को ऐड कर लेना है। फिर इसकी लेंथ को आप लोग अपनी फर्स्ट वीडियो क्लिप तक रख लेना है। यहाँ पर आप लोग को वीडियो की सेकेंड क्लिप पे आ जाना है, फिर से आप लोग को वीडियो इफेक्ट पर टैप करना है। तो यहाँ पर गाइस आप लोग को स्पार्क वाले उसमें पर टैप करना है। यहाँ पर आप लोग को नीचे में 3 या 4 इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग किसी एक को ऐड कर लीजिएगा। फिर इसकी लेंथ को आप लोग को वीडियो क्लिप के एंड तक रख लेना है। आपको फर्स्ट फोटो पे आ जाना है, फिर से वीडियो इफेक्ट पर टैप करना है। यहाँ पर आप लोग को सेकंड लाइन में फर्स्ट में इफेक्ट मिलेगा, उस इफेक्ट को अप्लाई करके आप लोग को डन कर देना है। यहाँ पर आप लोग को फिल्टर को थोड़ा सा कम कर देना है। इसकी लेंथ को आप लोग को वीडियो के एंड तक रख लेना है। तो यहाँ पर आपका वीडियो बन के तैयार हो जाएगा। आप लोग एक बार वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया है, मतलब वीडियो प्ले होने में थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है। आप लोगों को वीडियो एक्सपोर्ट करके मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आई होप गाइस आप लोग की वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी का आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारे चैनल पर जिस तरीके से ट्रेंडिंग रील ट्यूटोरियल आता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो आप लोग को यहाँ पर वीडियो पे लेकर के दिखा देता हूँ। तो